यस तो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज हम नहीं मतलब मैं बताऊंगा कि रशियन रेलवे की टिकट कैसे बुक करनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी जाती है, किस साइट से करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो वही सब चीज़ आज हम देखेंगे और बढ़ते हैं आगे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसे ये है मेरी स्क्रीन। सबसे पहले मैं बोल दूँ, बहुत सारी साइट है जिसपे आप टिकट चेक कर सकते हो, जैसे टू टू ट्रेवल है, ये सब है। पर उसमें आपके डायरेक्ट उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट कटेंगे, इसलिए सबसे बेस्ट जो साइट है रशियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, वो RZB ट्रेन टिकट जो मेरा आ गया ये डाल देना और यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है? ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, नीचे रशियन साइट में है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो इसको हम कर देते हैं इधर, ये आपका आ गया। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब आप ये करोगे तो आपका लॉगिन आएगा। जैसे आप ये मेरा नाम देख ले रहे हो, दिख रहा है ना मेरा नाम? हाँ। तो ये ऐसे आपको हर मतलब इनकी साइट में एक आईडी बनानी पड़ेगी, तो वो आप जैसी बना लोगे, तो वो आईडी आप जैसे बना लोगे तो आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल ऐसे आ जाता है, ठीक है? फिर यहाँ वाली साइट में बुक कर देना तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। उसके बाद जो पासवर्ड है वो याद रखना, क्योंकि उसमें रिडीम कोड्स रहते हैं और माइल्स का भी कुछ रिडीम रहता है। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए आईडी बनाना ज़रूरी है, ठीक है? RZD.com है ये वाली ट्रेन, जैसे आप देख ले रहे हो। बाय टिकट में कुछ नहीं है, मॉस्को डाल देना तो ये अपने आप पकड़ लेगा। मॉस्को में कजानिस्की रेलवे स्टेशन है। ऐसे तो मॉस्को में 5 रेलवे स्टेशन है, पर मॉस्को में कजानिस्की में ही पकड़ता है। मॉस्को और जो आपकी सिटी है, जैसे मुझे ओरनबर्ग जाना, मैं वहीं पढ़ता हूँ तो मैं वहीं का डाल रहा हूँ। डिपार्चर में आप मेरे को 27 सितंबर की चाहिए तो मैं 27 डाल रहा हूँ, बाकी आप अपना देख लें। रिटर्न मेरा है नहीं, और सर्च कर देना, ठीक है? ये देखा आ रहा ऑफिशियल पोर्टल ऑफ रशियन रेलवे, ठीक है? यहाँ पे अब रूट आ जाएंगे ये सब, और ये नीचे आ गई ट्रेन आपके पास। तो ये आप देख सकते हैं, अभी ये आपके पास मतलब पूरी डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे दो ट्रेनें हैं यहाँ पे मेरे लिए, एक 3 बजे जा रही है और एक 5 बजे। ये जल्दी पहुँचाएगी, पर इसकी रेटिंग मैंने देखी थी दूसरों में कम थी, तो मैं ये वाली ले रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे AC लगेज स्पेशलाइज, ये लगेज इन सब का आप देख लेना एक बार, ठीक है? बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता। डायनामिक स्पेशल प्राइस, ठीक है? तो इसमें आप क्लिक करेंगे सेकंड AC में, यहाँ आपको पूरे पूरे दिख जाएंगे। ये सिटिंग वाला रहता है, ये थर्ड AC के प्राइस हैं। लोअर वाली इनकी थोड़ी महंगी रहती है और अपर वाली सस्ती रहती है, हरदम याद रखना। इसलिए अपर वाली लो या लोअर वाली तुम पे डिपेंड करता है। सेकंड AC की अभी बहुत सस्ती थी यार, 2000 की थी, पर अभी ना एक मेरा फ्रेंड है, उस मूर्ख ने पता नहीं क्या दिमाग खराब कर दिया। मैं बोल रहा था टिकट करवा लो, पर करना ही नहीं है उनको, उसके चक्कर में बस हो गया। अब ये वाली इसमें दो कार आती है, ठीक है? Car 9 और Car 6। तो आपको डिपेंड है, इसमें आपको AC वो सब देख लेना। ये AC का साइन होता है, कई बार क्या होता है ये इसमें ब्लैंक रहता है, ब्लैंक ना तो कट रहता है, तो उससे पता चल जाता है AC नहीं है। तो Car 9 इनकी तो पूरी बुक टिकट हो चुकी है, Car 9 देख लो तो ये भी ठीक है। Car 9 में जैसे अब ये वाला कंपार्टमेंट, अब यहाँ की जो हरदम सीट रहती है ना 34, ये सब थोड़ी सस्ती रहती है, ठीक है? मतलब हर बोगी में एक सीट सस्ती रहेगी उसमें। तो ये दोनों ऊपर की सीट है, तो मैं जैसे 30 30 बुकिंग कर रहा हूँ, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है? और नॉन रिफंडेबल टिकट है ये, सीट बुक करने के बाद 30 आपके पास। ये ऊपर की इसलिए इतना प्राइस आ रहा है, 29 44, ठीक है? तो ये आप कंटिन्यू कर देना, यहाँ पे अपने डिटेल्स डाल देना, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स भर दूंगा और फिर वो पकड़ लेता है, और ईमेल डाल देना, बर्थ डाल देना 14 June। ठीक है, ये मत डालना पैसेंजर इज अ मेडिकल, हम लोग का भी मेडिकल प्रोफेशन ही है, पर मुझे असिस्टेंस असिस्टेंट देना भैया नहीं आता है, इमरजेंसी में क्या करूंगा मैं देके। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप इंटरनेशनल पासपोर्ट मत डालना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल पासपोर्ट डालोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में ना, जैसे मेरा S469603, ये अभी तो पकड़ लिया है, पर अभी ये देखो ये आ गया ना लाल, 9 डिजिट्स का आ रहा है, तो ये दिक्कत होगी, क्योंकि अपने पासपोर्ट 9 डिजिट्स के नहीं होते, इसलिए इसके जगह आपको आईडी डॉक्यूमेंट डालना है।
तब यहाँ पे सिटीजनशिप ये सब आ जाएगा। तो सिटीजनशिप जो आपकी होगी वो इंडिया डाल देना, ठीक है। आई नहीं रहा इंडिया इसमें, ये रहा इंडिया डाल देना। ये पासपोर्ट नंबर मेरा डला ही हुआ है, ठीक है। सरनेम फिर ये सब आप पूरा डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर डिटेल चेक कर लेना, और तो कुछ नहीं है, टेलीफोन नंबर ये सब। अच्छा ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में आपको अपना नंबर डालना। मेरी तो रशियन वाली सिम बंद हो चुकी है, मेरे को नॉर्मल सी बात नहीं लेनी पड़ेगी। पर तुम लोग हो ना यहाँ पे, इसलिए मैं दूसरा नंबर डालूँगा। तो ये यहाँ नीचे नंबर डाल के आपको ऊपर ये दोनों टिक कर देना, ठीक है। और फिर आपका काम हो गया, इसमें फिर आपका वो आ जाएगा। उसके बाद ये ऐड कर देना, यहाँ पे ऐड आ जाएगा। फिर आपके पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया मस्कवा कजानिस्काया। ये वहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, औरंगबाग में एक ही है जहाँ तक है, ठीक है। चूज पैसेंजर, ये मैंने यहाँ पैसेंजर चूज कर लिया। टैरिफ, फुल टिकट प्राइस एंड चाइल्ड, ये सब आपको करना है, ठीक है। आईडी डॉक्यूमेंट ये सब आ गया, फिर चेकआउट कर देना। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो फिर वही मैं डालता हूँ। तो ये आपके पास आ जाता है रिजर्वेशन इन सेकेंड, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इतने 2943। यार ये और सस्ती होती है टिकट कई बार, इस बार पता सस्ती हो रही है, नहीं तो पहले और महंगी होती थी। तो यही है, और कोई तो दिक्कत है नहीं। 27, बाकी डेटेड चेक कर लेना। तो भाई पूरी मैंने देख लिया, और कुछ ऐसा रूट रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कहाँ का ट्रेन कितने बजे पहुँचेगी। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ यार, एक सेकेंड, क्योंकि ये हेल्प करेगा भाई किस किस कितने में वो करेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिजान वेरा पेंजा में भी रुक रही है ट्रेन, और समारा में भी रुक रही है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। और शो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट स्टेशन ये है, ऑर्स तक जाएगी ट्रेन, ठीक है। इसके बाद आप अपना चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन मेल डाल देना, सिलेक्ट ईमेल में डाल देना, यहाँ आपकी टिकट आ जाएगी, और पे कर देना। पे पे क्लिक करोगे तो आपके पास इंडियन कार्ड से आप पे कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको रूबल्स ही देने पड़े, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। तो ये जब तक लोड हो रहा है, और ये हो गया लोड। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, और 2943 आपको पे करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी टिकट बुक हो जाएगी, तो ये आपके पास बुकिंग कंफर्मेशन आ जाएगा, सब कुछ डिटेल्स जैसे मैंने बोला था, वहाँ पेमेंट कट जाएगा। और एक चीज़ और बतानी थी कि आप जब पेमेंट इंडियन कार्ड से करोगे तो उसमें वीज़ा कार्ड या इंटरनेशनल मास्टर कार्ड लगेगा, रुपए से नहीं होगा। और अपने इंडियन कार्ड से करोगे तो 200 अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, क्योंकि यहाँ जैसे आप देख रहे हो 2943 की टिकट थी मेरी, पर अमाउंट चार्ज हुआ है 3108, ठीक है। तो उस हिसाब से देख सकते हो। बाकी लगेज अगेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेज आप लेके जा सकते हो 200 kg तक। तो ऐसा कुछ आ जाता है, मॉस्को से औरंगबाग मेरे को जाना था, ये मेरा नाम, ये सब आपके पास सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि ऐसा हो जाता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, और जिसको बुक करना है भाई कर सकते हो।